तो दोस्त, आज एक वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये होगा आपका पहला टॉपिक एंड सेकेंड टॉपिक कि क्या हम बीए या बीएससी के बाद डेटा साइंस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं। तो उन्हीं दो टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो कि अगर आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में है एंड आपको नॉलेज है तो आपको जॉब मिल जाएगी, चाहे वो डेटा साइंस हो एंड चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सपोर्ट की जॉब हो, टेक्निकल सपोर्ट हो, डेस्कटॉप सपोर्ट हो, मशीन लर्निंग हो, एआई हो। बट द थिंग इज हियर कि कई बार कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है क्या कि अगर किसी को क्लाउड का बंदा चाहिए। अब देखो, यहाँ पे जॉब बीए बीएससी वाला भी क्लाउड में करता है या कर सकते हैं, बट कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि जो एमएनसीज कंपनी है कि अगर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बंदा कोई हायर करना है तो उसमें होता है कि वो सोचते हैं हम सिर्फ बीटेक कैंडिडेट लेंगे, हम एमटेक कैंडिडेट लेंगे, हम एमबीए कैंडिडेट लेंगे, हम बीसीए कैंडिडेट लेंगे या बीएससी आईटी कैंडिडेट लेंगे। वो हो गई एक कंपनी की रिक्वायरमेंट, जहाँ पे सिर्फ वही बंदों का इंटरव्यू होगा जिन्होंने ये डिग्रीज वगैरह कंप्लीट करी हैं। अब आप बोलो कि नहीं, आपको मार्केटिंग में जाना है या सेल्स में जाना है और आपके पास एमबीए का नहीं है और आप सोच रहे हो कि नहीं हम बीए करके चले जाएं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है जाना, क्योंकि वहाँ पे एमबीए प्रेफरेंस होता है और आपके पास बीए है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, कुछ भी, बट आप डेवलपमेंट में जा सकते हैं। बट हो सकता है उतनी बड़ी कंपनी में जॉब ना मिले, लेकिन फिर भी आप आईटी में जा सकते हो और उनका भी अच्छा खासा सैलरी पैकेज होता है जो बीए बीएससी से कर रहे होते हैं। एंड अब मैं बात करता हूँ डेटा साइंस वर्सेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिमिलैरिटीज़ क्या होती है या डिफरेंस क्या होता है उसमें। जो अनट्रस्टेड डेटा होता है, ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है उसको जो माइनस करते हैं उनको हम बोलते हैं डेटा साइंस। अब डेटा साइंस में क्या है, मल्टीपल चीज़ें आपको सीक्वल आना चाहिए, मीन्स एसक्यूएल आना चाहिए, आपको पावर बीआई आना चाहिए, एक्सेल में आप मास्टर होना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा मैनेज होता है, डेटा का मैनेजमेंट करते हैं, वहाँ पे मोस्टली आपको डेटा साइंस के कैंडिडेट मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे जॉब ओपनिंग वैकेंसी मिल जाएंगी। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो अनट्रस्टेड फॉर्मेट में होता है उसको कैसे क्लियर करना, जैसे मान लो किसी कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉय हैं, 1 लाख एम्प्लॉय में वो सपोज कोई कॉल सेंटर है, कोई कॉलिंग की कंपनी है, वो हर किसी को कॉल करते हैं, दिन में एक बंदा मान लो 100 कैंडिडेट को कॉल करता है, 1 लाख एम्प्लॉय हैं जहाँ पे, तो आप समझ सकते हो वहाँ पे कंपनी का कितना डेटा होगा। तो उसी डेटा को मैनेज करना, उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह एनालाइज करना, ये सारा काम बेसिकली डेटा साइंस का होता है। एंड अगर मैं दूसरे एंड पे बात करूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट में सीधा सीधा एक फंडा होता है कि भाई आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो किसी कंपनी का, इंफ्रा डेवलप कर रहे हो, आप क्लाउड पे काम कर रहे हो, किसी कंपनी को मैनेज कर रहे हो, या कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो। अब इसमें भी मतलब डिपेंड करता है कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हो, बैक एंड डेवलपमेंट में हो, या आप पीएचपी डेवलपमेंट में हो, डॉट नेट, तो उसमें बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस में जाना चाहते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद। बट हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं सैलरी ब्रेकअप की बात करूँ, तो अगर डेटा साइंस में आप देखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कम मिले और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिले। इन केस हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको 10 लाख का पैकेज मिला, तो हो सकता है डेटा साइंस में आपको 8 लाख या 9 लाख तक का पैकेज मिले। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि किस में जाना है। बाकी अदर भी बहुत सारी फील्ड है, मशीन लर्निंग चले जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चले जाओ, रोबोटिक्स में चले जाओ, तो मतलब करियर बहुत है आईटी में, पैसे भी बहुत हैं अगर आप इन केस कुछ अपनी लर्निंग करते हो, बढ़ाते हो और आगे जाना चाहते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।